Hey friends, welcome to a new video. तो आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लेक्स फूड कंपैरिजन। तो आज हमने दो अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस से खाना ऑर्डर किया है, बहुत सारा, बहुत मतलब इतना सारा कि आप खाते खाते थक जाओ, पिक्चर पूरी हो जाए लेकिन खाना खत्म नहीं होगा। तो भाई आज हमने जो ऑर्डर किया है खाना वो दो अलग अलग जगह से, उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों थिएटर में से कौन से थिएटर का फूड अच्छा आता है। और वैसे हमने कौन कौन से थिएटर से खाना ऑर्डर किया है वो तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता चला है तो वीडियो में जुड़े रहो, आपको आगे जाकर पता चल ही जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। सबको तो पता ही है कि हम मोस्टली खाना ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से या फिर फूड वेंडर से या फिर फाइव स्टार होटल से, लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं। हाँ। तो इस बार हमने मल्टीप्लेक्स से खाना ऑर्डर किया, और वो भी उस जगह से जहाँ पर लोग खाने के लिए नहीं मूवी देखने के लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन भाई हम खाने के लिए जाते हैं वहाँ पर। मतलब ऐसा ही समझ लो, ऐसे हम नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको भाई बिना पॉपकॉर्न के मूवी उनको मतलब अच्छी नहीं लगती। हाँ। या फिर मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, या फिर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, या फिर समोसा चाहिए, या सैंडविच चाहिए, या जो भी चाहिए, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत काम का रहेगा। हाँ, कि भाई कौन सी मल्टीप्लेक्स में खाना अच्छा मिलता है। हाँ, और कितने पैसे का और कितना अच्छा आता है, कितनी क्वांटिटी आती है। भाई देखो, पैसे की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि भाई अलग अलग सिटी में अलग अलग प्राइस होती है। तो भाई हमारे सिटी में जो प्राइस मिलेगा शायद आपकी सिटी में अलग मिल रहा होगा। तो भाई प्राइस एक बार साइड पर डालेंगे, लेकिन हम रिव्यू टेस्ट का देंगे आपको। टेस्ट और क्वांटिटी वो दोनों जरूरी है। तो भाई चलिए अभी एक एक चीज पेश करते हैं और कहां से लाए वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वो है ये पीवीआर मल्टीप्लेक्स है, वो भी पीवीआर का पॉपकॉर्न। कौन सा? सॉल्टेड पॉपकॉर्न। ओहो भाई कितना बड़ा है भाई ये पूरा बक्सा। अच्छा, अभी मेरा निकालू? हाँ चलो। अभी मैंने ऑर्डर, पहले प्राइस बता। इसकी प्राइस है 219 रुपीज, मतलब 219 रुपया। हाँ, 219 सिर्फ भाई। तो मैंने ऑर्डर किया है आइनॉक्स से डेंटन एन। भाई ये क्या है भाई, ये भले दिखता छोटा है लेकिन मैंने 230 रुपया दिया है भाई। 11 रुपए तूने ज्यादा दिए। हाँ, ये देखो आइनॉक्स का, अब बोलना मत फिर आइनॉक्स का नहीं है। ये देखो आइनॉक्स का ऊपर स्टिकर भी है, लेकिन साइज देखो भाई, ये क्या क्या दिया है ये। और इसकी आप क्वांटिटी देखो पीवीआर की। तो फिर और ये भी सॉल्टेड है, और इसकी क्वांटिटी देखो। लेकिन भाई ये सब तो तू छोड़, लेकिन अब तो तेरे गूगल से उधर नीचे। अरे नहीं, मैं 3D मूवी देखने आया हूँ भाई, 3D पिक्चर के लिए लगते हैं ना भाई। मैं कब का सोच रहा हूँ कि अगस्त में अभी निकालेंगे, लेकिन भाई ने उतारा ही नहीं भाई। ये 3D मूवी वाला तो मजाक था वैसे ना, मेरी आंखों में थोड़ा मतलब नींद पूरी नहीं हुई ना, तो वो रेडनेस आ गई है, आपको दिख रहा होगा ये देखो। तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहन कर रखूं तो अच्छा होगा, है ना। इतनी लाल है क्या? नहीं नहीं, उतनी नहीं भाई, आपको शायद दिख रहा होगा या भाई नहीं भी दिख रहा होगा। लेट तक एडिटिंग करते हैं, फिर मतलब कुछ ना कुछ मतलब करते चलता रहते हैं, ही रहता है हमारा। तो भाई कभी नींद कम होती है तो आंखें ऐसी लाल हो जाती है। हाँ। तो अभी क्या करूँ, पहन कर रखू? नहीं भाई, अभी उतार दे चलना। अरे तेरा भाई स्मार्ट नहीं लग रहा। भाई स्मार्ट तो लग रहा है, लेकिन भाई तू आंखों से आंखों मिलाकर बात कर सबसे। चलो वो भी सही है, आंखों से आंखें मिलाकर बातें करने में जो मजा आता है वो इससे नहीं मजा आता। और वैसे भी ये पहन कर रखूंगा तो इतना स्मार्ट लगता हूँ ना मैं, कल जाके 2-3 मूवी की ऑफर्स आ जाएगी, फिर सबको मना करना पड़ेगा। वैसे भी नींद कम मिलती है, वैसे भी नींद कम मिलेगी फिर। तो भाई वो सब झंझट में नहीं पड़ना, मैं यूट्यूब पे बढ़िया हूँ, मेरे को मूवीज में नहीं जाना भाई। चल कोई बात नहीं, अभी मेन इस पे आते हैं। इस पे आते हैं, ये इसको खाते हैं, इसको खाते हैं। चलो भाई अभी पीवीआर का खाते हैं, 219 रुपया वाला। रुक जा, रख दे, पहले स्मेल करके फील लेंगे कि थिएटर वाली फील किस में आती है। भाई मेरे आजू बाजू तो सारी सीट से और सामने भाई स्क्रीन है बड़ा। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये पेन लो 3D में दिखे भाई, मैं आंखें बंद करके स्मेल कर रहा हूँ तो वैसे ही फीलिंग आ रही है थिएटर वाली, दिखा असली वाली भाई। इसमें नहीं आ रही है मुझे, लाइक नहीं आ रही मेरे को तो, इसमें नहीं आ रही, उसमें ज्यादा आ रही है। अबे क्या यार, नहीं उसमें थोड़ी ज्यादा है, सेम ही है, लेकिन ये पीवीआर वाले में थोड़ी ज्यादा है। क्या यार, नहीं मेरे को इसकी स्मेल में ज्यादा, मुझे तो इसमें आ रहा है ज्यादा, मैं मेरे को आइनॉक्स वाले में ज्यादा फील आ रही है। कोई नहीं, अभी टेस्ट करते हैं। चलो भाई सबसे पहले ये टेस्ट कर, चल पीवीआर वाला। भाई हम साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, लेकिन डाइट कोक। पॉपकॉर्न ऐसी चीज है ना, एक बार मुंह में रखिए ना, फिर मतलब ऐसा होता है कि कंट्रोल ही मतलब नहीं होता कि अभी रुक जाए, चालू ही रहता है।
वैसे भाई इसके साथ जो कोल्ड ड्रिंक आता है वो हमने ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज भाई हम शूट कब करते हैं और फिर तब तक तो वो शरबत बन जाएगा। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, शूट वूट बाद में करेंगे, पिक्चर लगा भाई वैसे मूवी देख लेते हैं। वाह वैसा अच्छा है भाई, अच्छा अच्छा है, और पॉपकॉर्न वैसे भी अच्छा ही लगता है। नहीं लेकिन उसमें भी क्वालिटी उचित थोड़ी होती है ना, 19-20 का फर्क क्वालिटी में। अभी आईनॉक्स की बारी भाई, वैसे ही इसकी क्वांटिटी बहुत कम है यार, 11 रुपए ज्यादा। और ये तो देख ऑलमोस्ट आधा है भाई, मुझे ये थोड़े हार्ड लगे। उसको हार्ड नहीं बोलते, उसको क्रिस्पी बोलते हैं थोड़ा। अभी क्या यार, ये पीवीआर का जो पॉपकॉर्न है ना वो मुंह में वही डालते ही भाई पूरा मेल्ट हो जाता है, उसको आइसक्रीम बोलते हैं। अबे पॉपकॉर्न नहीं बोलते, तू कुछ और चीज का फील ले रहा होगा। अबे तू जा। नहीं लेकिन ये अच्छे है, 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। ये ना सॉफ्ट क्यों लग रहा पता है, ये हवा गए है। अबे क्या यार भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, देख मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है कि आईनॉक्स वाले ने भाई को पैसे दिए। मेरे को क्या कोई पैसे देगा, मैं बोल रहा हूँ मैं इतना फेमस हो गया मेरे को अभी सिर्फ बॉलीवुड ही पैसे देगा, इसीलिए तो मैं ये पहनता नहीं हूँ। क्या 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 बोल रहा है, ये देख, ये देखिए मैं दबाऊं ये, हाँ ये देख उतनी आवाज आई भाई, इसका भी यही हाल है। देख देख कैसे टूट कर अलग, मैं वही बोल रहा हूँ ये ना पूरा मतलब इसके अंदर अभी वो भाई ये भी हो रहा है देख। नहीं लेकिन ये वाला है ना जैसे किसी चीज को हवा लग जाती है और कैसे वो ढीला पड़ जाता है वैसा है। जो भी है वो, लेकिन मेरा वोट जाता है ये पीवीआर वाले पॉपकॉर्न को, बिकॉज इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है और प्राइस भी कम है, 11 रुपए इससे। मैं ऐसा हवा लगा हुआ खा सकता हूँ अगर कम पैसे में मिले तो। हाँ और वो भाई कितनी ज्यादा क्वांटिटी है वो देखो, आपका पूरा पेट भर जाएगा भाई। सॉरी आईनॉक्स लेकिन मेरा वोट जाता है पीवीआर को। हाँ तो पीवीआर की जो अगली चीज है वो है ये नाचोस विथ साल्सा एंड चीजी डिप, और मेरे पास जो है वो आईनॉक्स के है नाचोस विथ चीज एंड साल्सा डिप। मतलब सेम ही हो गया, सेम ही है। लेकिन भाई प्राइस बता। प्राइस मेरा आया है 199 का। ओ क्या बात है, और इसकी प्राइस है 250 रुपीज। आईनॉक्स वाले इतना महंगा क्यों बेचते हैं हर चीज को, पता नहीं। और बॉक्स भी छोटा भाई, आईनॉक्स बड़ा प्रीमियम है या फिर हद से ज्यादा पैसे लेता है भाई। प्रीमियम है लेकिन इसके ये देख भाई, सील सील सब दो दो जगह दिए है भाई। इसके ऊपर भी सील था लेकिन जोमेटो का सील था भाई, हमने जोमेटो से ऑर्डर किया है सारा। तो ये है उसका चीजी डिप और ये है उसका साल्सा। मेरे को साल्सा जब बोलते हैं ना तो वो डांस ही आ जाता है भाई। मेरे ये रहे नाचोस, क्या बात है। अरे मेरे ऐसे दिए थैली में, कागज में, क्या बात है भाई, फ्रेंच फ्राइज की तरह दिए है। अरे इसका इसका वेट ला दो, मेरे को हाथ में रख दो अभी। लेकिन ये जो बॉक्स है ना उसका भी वेट है भाई। अबे बॉक्स का इतना वेट नहीं होगा। नहीं नहीं रुको 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 भाई, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये प्लेट में निकाल, मैं ये प्लेट में निकालता हूँ। लेकिन ये मेरे को आईनॉक्स वाले ज्यादा लग रहे क्वांटिटी में। नहीं नहीं भाई, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे वैसे मेरे थोड़े ठीक नहीं लग रहे क्या, सेम ही है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैकेट में से निकाल के वो कॉर्नेटोस या वगैरह आता है ना, क्या आता है वो भाई, वही लग रहा है। क्योंकि भाई वैसे तेरा कम है देख। हाँ तो वही लग रहा है देख, है ना। ना मैं तेरे कम है भाई, तेरे तेरे कम है, क्वांटिटी ज्यादा है, नाचोस की ज्यादा है भाई। देखो ये बॉक्स छोटा था लेकिन क्वांटिटी ज्यादा निकली, और ये बॉक्स बड़ा क्वांटिटी थोड़ी कम निकली। तो अभी इसको पहले बिना सॉस के टेस्ट करेंगे विशु, मेहनत तो कर। मुझे तो अच्छा ही लगा। लेकिन अभी कंपेयर करना है ना, बुरी चीज तो कौन बेचता है। रुक जा, बिना सॉस के इसको टेस्ट करना था पहले। ऐसा है, अभी क्या, अभी इसको टेस्ट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी के कर भाई, स्मेल में तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा मेरे को। अबे भाई सेम ही है, एक ही पैकेट में से खोला हुआ माल है ये भाई, कोई फर्क नहीं है। दोनों सेम ब्रांड का यूज करते हैं। रुक अभी इसके साथ डिप के साथ करते हैं भाई, मेरे को लगता है वो भी एक ही ब्रांड का है। अभी ये थोड़ा, हाँ भाई सेम ही है भाई। ये क्या हो गया हमारे साथ भाई, ये थोड़ा अलग है देख। अभी ये क्या दिया है, चीजी डिप तो है, साल्सा साल्सा। नहीं नहीं ये वियर्ड है थोड़ा टेस्ट में,
क्या बात कर रहा है भाई, जो अचार होता है ना ऐसा थोड़ा टेस्ट आ रहा है, कुछ अलग है। अभी ये वाला करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सारे लोग खा ही रहे, पिक्चर देखने जाएंगे तो भी ऐसा ही करेंगे। भाई हम ऐसा ही करते हैं, और अभी तो जिधर मूवीज देखने जाते हैं ना उधर सब ये जो मतलब कैंटीन वाला स्टाफ होता है ना वो इतना अच्छा मतलब दोस्त जैसा हो गया है ना, एंटर होते हैं ना तभी से पता चल जाता है भाई तगड़ा माल आ रहा है, ये बहुत खाएंगे ये लोग। अलग है ना दोनों कि सेम ही है? नहीं अलग है, लेकिन पीवीआर वाले सालसा का टेस्ट मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ इससे तो नाचोस की क्वांटिटी में थोड़ा डिफरेंस आ गया, क्योंकि जो आइनॉक्स वाला था उसकी थोड़ी ज्यादा थी, और वैसे प्राइस भी भाई ज्यादा है ना 250 भाई, 50 रुपए का फर्क। तो भाई वैसे देखने जाए तो भाई दोनों की क्वांटिटी सेम ही है, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है और क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा दे दी। हाँ, ये प्राइस के हिसाब से इसकी क्वांटिटी और इसकी प्राइस के हिसाब से इसकी क्वांटिटी अगर देखने जाए तो पैसों के मामले में हमको कुछ ज्यादा कम नहीं लगा, लेकिन टेस्ट में भी बाकी सारी ये चीज डीप वाली चीज तो सेम ही है। लेकिन भाई अगर मैं चूज करना चाहूँ ना सालसा इसका अच्छा है, तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीवीआर वाला ही लूंगा। हाँ तो अगर आप आइनॉक्स में मूवी देखने जाओ तो पीवीआर में ये ऑर्डर करके फिर जाओ। अबे ऐसा नहीं, मूवी तो? देखने जाना है तो पीवीआर में जाओ, क्योंकि भाई देख पॉपकॉर्न की क्वांटिटी भी ज्यादा थी पीवीआर वाले की, और ये नाचोस में सालसा का जो टेस्ट है सालसा डिप का वो भी अच्छा है। वैसे देखो मूवीज देखने जाते हैं तो बहुत सारी खाने की चीजें मिलती है, लेकिन हमने आज ऐसी चीजें ऑर्डर की है जो ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। वैसे देखने जाए तो आप उधर से वो मसाला सिंह भी ले सकते हो भाई, बहुत सारी चीजें होती है, वो पानी की पूरी भी ले सकते हो, फिर वो क्या पिज्जा, फिर बहुत सारी मतलब चीजें, इतनी चीजें मिलती है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आज हमने सिर्फ उतनी चीजें मंगाई है जो मैक्सिमम लोग खाना पसंद करते हैं, और मोस्टली यही सबसे ज्यादा ऑर्डर लोग करते हैं। हाँ पॉपकॉर्न है, नाचोस है, और फिर और भी सारी चीजें वो जो अभी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अभी इसको तो हम देते हैं वोट पीवीआर को, सस्ता भी है और टेस्ट में अच्छा भी है। हाँ तो नेक्स्ट जो चीज हमने पीवीआर से ऑर्डर की है वो है शेफ स्पेशल तंदूरी पनीर सैंडविच। ओए होए होए होए, शेफ का स्पेशल डिश है डेंटन एंड 360 व्यू। ये क्या मामला बिगड़ा है आगे से शेफ ने? भाई वो थोड़ा अभी आने में थोड़ा ऐसा हो गया है, और उसके साथ एक पिचकू दिया है। क्या गरीब जैसा केचप दिया, कितने पैसे लिए भाई इसके? 209 रुपए। ओह और केचप सिर्फ 1 रुपए का? और मैंने लिए आइनॉक्स से डेंटन एंड, और उसका मैंने सील अभी खोल दिया है क्योंकि ये सील भाई काटने में टाइम लगता है। ये सैंडविच ली है मैंने 190 रुपए में। भाई पहली बार सस्ता फूड, क्या हुआ? भाई ये सैंडविच है कि क्या हो गया इसका हाल? अभी ये काला काला क्यों हो गई है पूरी सैंडविच, मतलब क्या? भाई अभी मैं मेरा खोलता हूँ बक्सा। नहीं स्मेल तो अच्छी आ रही है, मेरे को लगता है ये ना थोड़ी जला दी है इन लोगों ने ग्रिल करने के चक्कर में। और इसका नाम मैं देखना भूल गया, क्या है? जंगली कुछ है ये वाला है, किधर गया? जंगली पनीर ग्रिल सैंडविच 190 रुपीज की। मैं जंगली बोला ना तो मैं जंगली के तरह ये बॉक्स भी फाड़ दिया। भाई अभी एक काम कर, हम प्लेट में ही निकाल देते हैं। ऐसा ही करते हैं क्योंकि भाई इसमें आपको भी नहीं समझ में आएगा और हमको मतलब खाने में भी नहीं सेट होगा। ओए होए होए होए, ये देख तो सही विश्वा यार, वाह भाई मेरी बहुत सही है भाई। ये कितनी अट्रैक्टिव मतलब कितनी टेम्पटिंग लग, ऐसा लगता है कि ये पड़ी है ना तो उसको मतलब अभी मेरे को खानी पड़ेगी, और ये ऐसा लगता है कि ये पड़ी है ना तो इसको मेरे को कैसे भी करके अवॉइड करनी पड़ेगी। आप ये देखो तो सही यार, वैसे भाई बहुत सही लग रहा है ये देखने में। अरे ये क्या मामला बिगड़ा है ये आइनॉक्स वालों ने यार। भाई काली काली तो ये भी है, देख यहाँ से थोड़ी जली है। अरे वो जली हुई, लेकिन वो देख वो पूरा मतलब एक अच्छा फील देती है। हाँ। एक ग्रिल वाला फील देती है ये, तो पता नहीं किसी इसका क्या फील देती है भाई। वैसे ये कुछ अलग ही लग रहा है भाई, आज तक हमने ऐसी सैंडविच नहीं खाई थिएटर में। थोड़ा उसका अंदर का स्टफिंग निकल गया है, लेकिन चलो वो तो कोई बात नहीं भाई जो भी है वो। लेकिन भाई ये बड़ा गलत मामला है, मेरे को क्या लगता है पता है? ये देख ये जो काला काला ऊपर लगा है ना, वो ग्रिल जो होता है ना मशीन, उसके अंदर पूरा मतलब जला होगा और वो अच्छे से अंदर से क्लीन नहीं किया, इसीलिए वो भाई ऊपर चिपक सकता है। भाई ये थोड़ा निकल गया है अंदर का, तो वो वैसा ही मैं छोड़ देता हूँ अंदर। भाई भले ही ये सस्ता है लेकिन ये चीज देख के मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। 190 रुपए फिर भी सस्ते नहीं होते? नहीं वैसे सस्ते तो नहीं, लेकिन भाई हम कंपेयर करने जाए तो भाई ये सस्ता है थोड़ा सैंडविच में, लेकिन केचप उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा मिला है मेरे को डिब्बी के अंदर। हाँ लेकिन क्या करूँ केचप का जब सैंडविच ही ऐसी है। भाई अभी एक एक पीस उठा, पहले ये ट्राई करना है तेरे को। हाँ यही करते है भाई,
पहले मुंह बिगाड़ दे उसके बाद मुंह अच्छा कर दे। ऐसा नहीं है भाई, देखो और मैं एक बात सोचो तो मतलब मैंने क्या अभी अभी सोचा कि ये कलर वलर तो हम अभी देख रहे हैं, जब मूवी देखते हैं हम भाई ना अंधेरे में बैठे होते हैं, दिन होता है या रात होता है, तब कौन से कलर का कैसा माल दे दे किसी को क्या पता चलेगा। हाँ भाई इंटरवल में ही पता चलता है कि भाई हम तो कैसा इसी के चक्कर में ना ये लोग मतलब वो क्या बोलते हैं इसको प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे और ये लोग देते हैं भाई। फिर भी यार ये तो मतलब काला काला है उसका मतलब ये लोग क्लीनिंग पे भी ध्यान नहीं देते। भाई अभी फटाफट खा लिया तूने? टेस्ट में तो अच्छी है लेकिन जो काला काला लगा है ना उसका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है भाई मुझे। बुरी नहीं है लेकिन ये जो काला दिख रहा है उसका रीजन जो है ना वो सही नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ इसके साथ कि भाई टेस्ट के साथ हाइजीन भी जरूरी है। अगर आप जिसमें खाना बनाते हो वो बर्तन या वो मशीन आप साफ नहीं करते तो भाई वो किसी काम का नहीं, और ऊपर से भाई किसी का पेट भी खराब कर सकता है, अपनी हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ है। तो भाई आइनॉक्स की ये चीज़ बुरी लगी मेरे को। जाहिर सी बात है हर जगह ऐसा नहीं होगा, हर जगह अलग अलग बंदे होते हैं, सबका सब काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी ये आज हमने जो एक्सपीरियंस किया वो अच्छा नहीं था। अब बारी है ये केचप निकलने की। नहीं नहीं इसका भी हम टेस्ट करेंगे भाई, क्योंकि केचप केचप में भी भाई क्वालिटी का डिफरेंस होता है। चलो मैं पहले टेस्ट करता हूँ फिर एक पीवीआर से रिलेटेड मज़ेदार बात बताऊँगा। भाई ये पनीर वाली है ना तेरी भी? पनीर वाली है लेकिन पता नहीं के पीस मेरे को चीज ज्यादा टेस्ट आया पनीर से। हाँ, है ना? और इसमें तो भाई बाहर से ही ऐसा पनीर के पीसेस दिख रहा है मुझे। ईश्वर स्मेल कर भाई, वैसे ये ठंडी हो गई है लेकिन फिर भी स्मेल अच्छी आ रही है। वाह 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 बॉय, सही में बोलूं इसको बोलते हैं पनीर वाली सैंडविच है ना। वाह भाई जबरदस्त, पैसे वसूल, भले ही 19 रुपए ज्यादा लिए भाई लेकिन सही है बहुत। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इन दोनों में, मतलब नाता नहीं मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। अगर नहीं। आपके सामने ये रखी होगी आइनॉक्स वाली और बाजू में पीवीआर वाली रखूंगा, इसको आप देखोगे भी नहीं, मतलब सोचोगे भी नहीं कि इसको खाऊ मैं। और पीवीआर वाली ऐसे कि जिसको नहीं भी खाना है ना उसको देखकर खाने का मन हो जाएगा। और पीवीआर से रिलेटेड आपको एक बहुत मतलब मेरे साथ पीवीआर मतलब बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं 2007 में मैं पीवीआर में जॉब करता था, मैंने पीवीआर में भी जॉब की हुई है, मेरे को पूरा पता है अंदर कैसे काम होता है, अंदर की जो चीज़ें आती है अगर कैंटीन की समझ लो या कोई भी जगह की समझ लो, जो मशीनें होती है या फिर खाने की चीज़ इधर रखते हैं भाई उधर कैसे क्लीन करवाते और कितना उसका हाइजीन लेवल होता है वो मेरे को सारा पता है। तो भाई हमने तो उधर बहुत कमर तुड़वाई है लेकिन भाई अच्छा था ना उसी टाइम पे। 2007 की बात कर रहा हूँ, तब वो उसका स्टैंडर्ड वो था, तो अभी तो भाई अच्छा ही होगा ना। लेकिन भाई अभी टेस्ट वाइज देखना जाए तो पीवीआर का अब तक हमको अच्छा लगा। हाँ भाई सही में बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि मैं जॉब करता था पीवीआर में सालों पहले इसलिए पीवीआर अच्छा है। आप भी देख सकते हो कि भाई हर एक चीज़ में अच्छा ही निकल कर आ रहा है, तो भाई सही चीज़ को सही बोलने में हमको कोई मतलब वो नहीं है, हर्ज नहीं है। तो अभी अगली चीज़ की बात करते हैं, और ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो लोग घर से सोच कर जाते हैं कि भाई आज हम लंच करेंगे तो भाई मूवी देखते देखते ही करेंगे या फिर डिनर करेंगे मूवी देखते देखते। हाँ भाई उन लोगों के लिए, क्योंकि भाई सब लोगों को ऐसा नहीं होता ना कि पॉपकॉर्न खाया समोसा खाया सैंडविच खाई तो पेट भर गया। कोई कोई लोग ऐसे ही होते हैं कि भाई हमारे पापा जैसे जिनको भाई दाल चावल तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो भाई मैं नहीं आऊँगा। तो भाई उन लोगों के लिए हमने ये वाली अगली चीज़ मंगाई है, और ये रही पीवीआर की चीज़, ये है दाल मखनी और राइस। मतलब वो मील आता है पूरा दाल मखनी राइस वाला, और मेरे पास भी है आइनॉक्स का दाल मखनी विथ राइस वाला मील। ये गरीबों वाली पैकिंग क्यों है ये आइनॉक्स की? वैसे भाई इसकी प्राइस कितनी है? 290 रुपीज। हाँ ये 290 रुपीज का है और मेरे वाला है 269 का, 21 रुपया कम, और पैकिंग देख तू आय हाय हाय भाई वो बात तो है। सबसे पहले मैं खोलता हूँ भाई, भाई भाई लगता है कि किसी की बर्थडे केक ऑर्डर की है भाई। मैं खोलता हूँ सबसे पहले, तू ही खोल ले भाई। भाई अभी थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि टेबल हमारा गंदा होगा भाई। ऐसे भाई ये अच्छा है पैकिंग वाला देख। हाँ ये जो ऊपर लगा हुआ था वो एक्चुअली दूसरी किसी चीज का था, इसका नहीं है वो, अंदर से तो पूरा ओए होए। भाई ये तो 2-in-1, यहाँ से भी खा सकते हो और यहाँ से भी। अरे लेकिन ये दिख कैसा रहा है? मैं पता नहीं, कोई बात नहीं, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। मैं बोला ना ये अंधेरा वाला सब मामला है ना खाने वाला, तो भाई ये लोग है ना प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते। तो भाई अभी पीवीआर वाला माल निकालते हैं।
ओहो, उसके साथ में आई है मिंट वाली चटनी भाई, हरी चटनी। ओए होए होए होए, ये देखो बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है, इसके अंदर राइस लग रहा है मेरे को, और ये है अपना दाल वाला कंटेनर। ये थोड़ा सा लीक मतलब हो गया है, लीक हो गया है, वो तो भाई जोमेटो वाले भाई इधर उधर खुदुड़ खुदुड़ कैसे बाइक चलाते हैं तो हो जाता है। ओए होए 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 भाई, कलर में तो आसमान जमीन का फर्क है, ऐसे कलर सेम है लेकिन ये अब अभी भी लिक्विड है थोड़ा। मेरे को लगता है ये रेडी टू ईट वाला माल गर्म करके तो नहीं देते होंगे ना, क्या पता भाई, दोनों लोग एक ही ब्रांड का। भाई इसमें भी स्मेल तो ऐसी आ रही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, रेडी टू ईट वाला जो आता है ना उसमें भाई एक अलग सी स्मेल आती है। अरे यार ये क्या है, अप्रैल फुल बोलते बॉक्स के अंदर से ये बॉक्स निकला, इसके अंदर भी राइस नहीं दिख रहा है, क्या है ये, कागज दिख रहा है, अभी कैसे निकालने का इसको भाई। ये प्लेन राइस है और ये जीरा राइस है, और भाई ये मैं सही बात बोलूं ये राइस की क्वालिटी भी मतलब अच्छे महंगे वाले राइस लगते हैं, लंबे लंबे। हाँ ये बासमती है नहीं, ये भी लंबे है लेकिन ये बहुत पतले, और जो पुराने चावल हम बोलते हैं ना वो है शायद से पुराने, वो क्या ऐसा होता है भाई, पीवीआर वाला जो राइस है ना वो दिखने में अच्छा लगता है भाई, सही तरीके से बॉइल किया है ना वैसा लग रहा है देखने में भाई। एक बात बोलूं, जो MTR का एक पैकेट आता है ना वो रेडी टू ईट वाला दाल मखनी का, वही लग रहा है ना, वही मुझे टेस्ट लग रहा है, कोई भाई कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। वैसे भी ये लोग रेडी टू ईट वाला ही यूज करेंगे क्योंकि हर जगह स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है ना, इधर अलग बंदा बनाएगा उधर अलग बंदा बनाएगा तो वो बात तो है, टेस्ट अलग हो जाएगा ना। लेकिन ये राइस का टेस्ट थोड़े वियर्ड लगा ना मुझे, राइस में थोड़ा गड़बड़ है, ये राइस जैसा राइस नहीं लग रहा है भाई टेस्ट में, राइस में मजा नहीं आया। और अभी इसकी बारी, पहले इसका सिर्फ राइस टेस्ट करते हैं विश्वा भाई। ओ घर वाली फील आई ना, वही तो बोल रहा हूँ कि क्या वाह, राइस की जो खुशबू आती है ना, जैसे खुशबू और जो भाई टेस्ट भाई सेम भाई घर जैसा है, ऐसा लगता है कि मम्मी ने ही बनाया है ये, ऊपर से ये कैसे ड्राई हो गई थी, वैसे ड्राई नहीं हुई है ना भाई, अच्छी है इससे तो अच्छी है, इसमें थोड़ा अलग टेस्ट आ रहा है देख, मुझे पीवीआर वाली अच्छी लगी, ग्रीन चटनी उसके साथ दाल मखनी और राइस। आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग क्या खा रहे हैं और बोल बोल रहे हैं, लेकिन भाई हम मूवी देखने जाते हैं ना तो यही करते हैं भाई, सच में ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त लग रहा है ना, बेस्ट भाई। अभी तक जितने भी हमने फूड ट्राई किया ना सब में पीवीआर पीवीआर ही जा रहा है भाई, भाई पीवीआर वालों के अगर कल से ज्यादा टिकट बिकने लगे तो उसमें भी हमारा हिस्सा होना चाहिए भाई, मुफ्त में टिकट दे देना जितनी भी बार हम जाए। चलिए भाई देखो, अभी तक तो हमने सेम चीजें मंगाई जो भाई हमको कंपेयर करनी थी, और अभी जो अगली चीज है वो हमने हमारी फेवरेट चीजें मंगाई है, तो भाई जो मेरी पीवीआर की फेवरेट चीज है वो है पीवीआर का बर्गर, तो अभी टेस्ट करते पीवीआर का बर्गर जो मेरे को पहले से भाई बहुत पसंद है, आज से नहीं सालों से भाई। लेकिन कितने रुपए का है ये, अरे वो तो मैं भूल गया देखना भाई, देखो फेवरेट चीज आती है ना तो ये सारा चेक करने का भूल जाते हैं, तो भाई पीवीआर का बर्गर है ये 89 रुपीस का। मेरी जो आइनॉक्स की फेवरेट चीज है वो है ये समोसे, और उसकी प्राइस है 120 रुपीस। ओहो 89 का एक बर्गर, और देख वो ये वाला है विश्वा मैकडॉनल्ड्स का, वो आया था ना बीच में से, हाँ वो आधा आधा वाला भाई। इसको भी पता है पीवीआर को ये लोग आधा आधा खाएंगे, और ये तो पहले से ही दो दे दिया देख। हाँ तो चलो भाई, एक मेरा एक तेरा, ये केचप वही है भाई डिब्बे के अंदर। अच्छा, और पीवीआर ने मेरे को ये दिया था ये वाला, इसके अंदर भाई एक पाउच होगा केचप का। ओह टिश्यू पेपर भी दिया है और केचप का एक पाउच। सबसे पहले क्या टेस्ट करते हैं भाई, कोई भी टेस्ट करो, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं क्योंकि तेरे पास समोसा है मेरे पास बर्गर है। ये व्हाइट है भाई, इसका अंदर मसाला है, आलू व्हाइट ही होता है ना। चल मैं इस बार आइनॉक्स का केचप यूज कर लेता हूँ। पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। इसकी जो पैटी आती है ना उसका टेस्ट माशाल्लाह क्या बेहतरीन है। थिएटर में जो बर्गर्स मिलते हैं ना उसमें सबसे अच्छे मेरे को पीवीआर के लगते हैं, एक बर्गर और एक समोसा भी अच्छा लगता है। और भाई अब बारी है समोसे की, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा विवा फूड वर्ल्ड चालू। अच्छा है नो डाउट, बुरा नहीं है, कोई खाएगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये समोसा अच्छा नहीं है, लेकिन पीवीआर का समोसा भाई भाई वो तो है, उसका टेस्ट बहुत ही कोई टक्कर नहीं दे सकता। 2017 से मैं खा रहा, सॉरी 2007 से
तब से मैं मतलब जब हम जॉब करते थे तब भी उधर से समोसे खरीद के खाते थे, तो तू सोच के कितने अच्छे लगते होंगे। तब हमारी सैलरी क्या थी कि हमको समोसे भी नहीं परवड़ते थे मतलब मल्टीप्लेक्स से खाने में इतने पसंद थे तब, और भाई उसको तो कोई टक्कर नहीं दे सकता अभी तक। तो आज की मेन बात कि आइनॉक्स वर्सेस पीवीआर जो हमने किया उसमें भाई पीवीआर नंबर वन पे है, लेकिन सच में जो फूड है उसका जो प्राइस है उसके सामने जो क्वांटिटी मिलती है और क्वालिटी मिलती है। और भाई एक बात सच बोलूं, पीवीआर की टिकट भी सस्ती होती है सच में। हाँ भाई जो भी, वो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे को आइडिया है ना मूवी टिकट्स पीवीआर में सस्ती होती है। तो भाई अब से मूवी देखने जाना है तो पीवीआर और भाई हमको पीवीआर ने कुछ पैसे वैसे दिए नहीं है, अगर देख रहे हैं तो भाई दे देना। नहीं नहीं भाई एक एक बात सुन, अगर मूवी देखने का सिर्फ प्लान है तो आइनॉक्स में जाओ अगर ऐसा कुछ नहीं, पीवीआर में जाओ ना, जाने के बाद भूख लगी तो उधर फंस जाओगे इधर बात भी है, इधर फंसने का कोई चांस नहीं है, इधर खाना भी सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, टिकट भी सस्ती है। भाई देखो हमारा काम तो भाई खाने का है और आपको बताना है कि भाई इसका टेस्ट कैसा है, तो भाई हमने तो जस्ट कंपेयर किया, हमारा ओपिनियन दिया। हाँ अभी आपका क्या ओपिनियन है वो शायद अलग हो सकता है कल जाके आइनॉक्स वाले केस ठोक देंगे तो भाई ये गलत बात है। नहीं नहीं भाई हमने तो सिर्फ फूड ही टेस्ट किया है और अपना ओपिनियन दिया। हाँ भाई अभी आप सस्ता बेचो तो आप क्या तारीफ कर देंगे, और अच्छा बेचो अच्छा होना जरूरी है। तो चलिए भाई आज की वीडियो यही पर एंड करते हैं, ये मल्टीप्लेक्स फूड कंपैरिजन वाली। नहीं नहीं रुक, गूगल स्पेन उसके बाद हम एंड करते हैं। सच में 3D मूवी चल रही है? अरे ये एक्चुअली मैं पहनता क्यों नहीं हूँ, मैंने तेरे को बताया ना। नहीं नहीं भाई वीडियो के स्टार्टिंग में पहना था, फिर एंड में क्यों नहीं भाई? नहीं सुन, एक दो रीजन है इसके। एक तो भाई देखो अभी आपको देखकर पता चली जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। ये देखो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। बस भाई अभी मैं सिर्फ पैसे गिनूंगा और तू भाई मस्त एक्टिंग कर। मेरे भैया बॉलीवुड बॉलीवुड में से आ जाए भाई, आपको ये मूवी करनी पड़ेगी सर प्लीज, ये साइन कर दो भाई। तुझे बॉलीवुड में ऑफर नहीं मिलेगी, साउथ इंडिया मूवी में विलन की ऑफर मिलेगी। वही चलेगा अपने को अपने को कुछ भी चलता है। तो भाई जो भी है कोई भी देख रहे हो मेरे को भाई साइन करने आ जाओ, लाइन लगा दो। चलो ये एक बात हो गई, अभी दूसरा रीजन बताऊं मैं। ये पहनता हूं ना तो सब ऐसे पास पास में दिख रहा है मेरे को। अबे ऐसा कैसे? अरे कैमरा लगता है इधर आ गया, अबे वो 3D लगता है मेरे को भाई चलो मजाक मजाक हो गया, वैसे भी हम ढेर सारी बकवास करते हैं हमेशा की तरह, तो आपको भी आदत हो गई होगी हमारी बकवास सुनने की। और अगर आपको हमारी हमेशा बकवास सुनने की आदत अच्छी लगती है और भी चाहते हो कि आगे आप हमारी बकवास सुनो, तो भाई जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है वो कर क्या रहे हो भाई, लाइक का बटन दबा दो। और भाई कमेंट में भी बताओ कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, और सबको शेयर भी करो कि ये लोग कितनी बकवास करते हैं। तो चलिए भाई आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक शूट भाई कोक गई नीचे, वो नीचे गई उसका कोई गम नहीं है लेकिन जो जगह पे गई है ना। चलो भाई फटाफट से खत्म, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय 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 बाय।